Audio Jungle. यूपी के बुलंदशहर पहुंचे बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी शमशुद्दीन राई ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में किसान, मजदूर, पिछड़े, अति पिछड़े मजदूर महंगाई की मार झेल रहे हैं। बिना नाम लिए कहा कि देश के अंदर जो बेचने वाले व जो खरीदने वालों की टीम देश की बर्बादी पर लगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे भाजपा व सपा अपनी दाल गलाने में लगे हुए हैं। राय ने कहा कि एक हिंदू के नाम पर प्रदेश में चुनाव कराते हैं तो दूसरे मुस्लिमों को बरगला कर वोट मांगने का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं तथा सत्तासीन सरकार मौन साधे बैठी हुई है। कहा कि पुलिस मुठभेड़ के नाम पर फर्जी एनकाउंटर करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। शमशुद्दीन राय ने कहा, प्रदेश में सही एनकाउंटर होते तो लखीमपुर जैसी घटना नहीं होती। लखीमपुर में गाड़ी से रौंदकर जो किसानों की हत्या हुई है उस पर भाजपा को तत्काल गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो कि किसान हित में होता। 2 करोड़ नौकरी देने की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार का बड़बोलापन जनता के सामने उजागर हो गया है। युवाओं को आज पकौड़े बेचने को मजबूर कर रही है। भाजपा सरकार महंगाई की मार पर भी काम करने में असफल रही। शमशुद्दीन राय ने कहा कि भाजपा अगर विकास करती तो निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लेवल के नेताओं को वोट नहीं मांगनी पड़ती। बसपा सरकार में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के नारे के साथ सर्व समाज को साथ लेकर चली थी रूप में, और प्रभारी के साथ साथ जब नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव जब यहाँ होगा तो यहाँ का प्रभारी प्रत्याशी भाई पंडित सुनील भरद्वाज जी को यहाँ घोषित किया गया है। मान्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार मैं उन्हीं का संदेश लेकर आए थे और संदेश हमने आपके बीच में सुनाने का काम किया। अभी बहुजन समाज पार्टी 2022 में खुद को कहाँ खड़ा देख रही है? बहुजन समाज पार्टी वो रीढ़ है, जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती, दिखती नहीं है और काम पूरे शरीर को संभाले रहती है, ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी है कि दिखती नहीं है लेकिन पूरे अपने मिशन और मूवमेंट को, अपने नौजवान को, अपने वर्कर को संभाल के रखती है और हर तरीके से आवाज़ बुलंद करती है। आपने एक बात कही थी, समाजवादी पार्टी ने किसान, नौजवान, मुसलमान को गुमराह किया, क्या था वो बताइए। देखिए, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि जब 2012 में अखिलेश जी चुनाव रथ यात्रा निकाल के गए, जैसे अभी निकाल रहे हैं रथ यात्रा, पहले उन्होंने कहा था किसानों से कि हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे और तुम्हारा लाइट पानी हम फ्री दे देंगे। किसी किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया 2012 से 17 के बीच में, ना ही कर्जा माफ़ हुआ, ना ही लाइट पानी फ्री दी। दूसरे नंबर पर उन्होंने नौजवानों से कहा था हम बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देंगे, किसी नौजवान को रोजगार और बेरोजगारी नहीं दिया। फिर मुसलमानों से कहा था कि हम आपको 18% आरक्षण देंगे, आप बताओ किस मुसलमान को 18%। केवल झूठ बोल के सरकार बनाने का काम फार्मूला समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश जी ने किया था। सत्ता में तो आप भी रहे थे, लेकिन जब आप रहे तब आपने किसानों को कितना भला किया? आपको शायद मालूम है किसानों को गन्ने का मूल्य किसने बढ़ाया था। अभी लखीमपुर कांड जो हुआ है, जो विपक्ष की भूमिका देखी गई, बहुजन समाज पार्टी उतनी सक्रिय नहीं दिखाई दी, क्या कहेंगे? देखिए, आपको शायद जानकारी होगी क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ एक जनता के भी एक चौथा स्तंभ कहलाया जाता है देश का। जब भी कोई बात हुई है किसानों के अधिकारों में या नौजवानों के अधिकारों में, बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता है, उन्होंने हमेशा ट्वीट किया है। और जब ट्वीट से बात नहीं बनी, ट्वीट करते रहे ये लोग, कोई सुनाई नहीं करे, तो बहन जी ने लखनऊ में पूरी रैली बुलाई और लाखों लाखों लोगों के बीच में रैली के माध्यम से लखीमपुर की घटना हो या किसान के काले कानून की घटना हो या नौजवानों को रोजगार देने की घटना हो, सारे तरीके से पर्दाफाश करके चिताया था देश की सरकार को, प्रदेश की सरकार को और विपक्ष को कि जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। 2022 को लेकर कितने आश्वस्त हैं, बस इतना बता दीजिए। 2022 में 250 सीटें हम लोग बहुजन समाज पार्टी जीत कर आ रही है और फुल फ्रेश की सरकार उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी किसी संगठन से गठबंधन करेगी? पांचवी बार उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। 2022 में किसी से गठबंधन की काम आ पाए तो आप क्या करेंगे? किसी से गठबंधन की काम आ पाए तो आप क्या करेंगे? सत्ता में किसी से गठबंधन की कोई संभावना? हम लोग गठबंधन वो लोग कर रहे हैं जो कमजोर अपने आप को समझ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेगी। सत्ता में आप आए तो आप क्या करेंगे? सत्ता में हम जब पहले भी रहे तो विकास किया था, रोजगार दिया था, देश का पहला ऐसा मोबाइल पकड़ देश में जब